हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे दोस्तों की फरमाइशें आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि उन्हें RT-PCR रिपोर्ट्स के बारे में जानना है और किस सिटी में जाने के लिए वो रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप तक वो आंसर दे पाऊँ और वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। और आपकी सब्सक्राइब करने से मुझे हिम्मत और हौसला बढ़ता है कि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और वीडियो आप पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि ये कोविड के टाइम पर हम जब भी ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटीज के लिए, तो हमें ये काफ़ी और इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हम RT-PCR करके ही जाए। क्योंकि जिस तरह दोस्तों मैंने जो ट्रैवल किया था मुंबई टू कोलकाता, तो वहाँ पे भी मुझे मुंबई एयरपोर्ट में अलाउ नहीं किया गया था। वहाँ पर मुझे सबसे पहले RT-PCR रिपोर्ट्स और मेरा आधार कार्ड पूछा गया था। उसके बाद उन्होंने टिकट्स और बोर्डिंग पास, यहाँ तक कि टिकट्स और बोर्डिंग पास की तो उनको ज़रूरत भी नहीं है, जितना वो RT-PCR पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप ट्राई कीजिए कि आप जाने से पहले RT-PCR रिपोर्ट्स की तैयारी करके रखें, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या फिर आपके सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो। तो ट्राई कीजिए कि ये चीज़ को आप कभी अवॉइड ना कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये एयरपोर्ट पे भी पूछा जाता है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से, और उसके बाद जब आप बोर्डिंग करते हो उस टाइम पे भी पूछा जाता है, और थर्ड थिंग, जब आप एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में आप जब बैठने जाते हो तभी भी आपको एक बार ये कन्फर्म किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंस हो चुकी है इस चीज़ की, तो इसे आप मिस ना कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इसको, यानी कि इसके साथ ही सफ़र करें, इसे इग्नोर ना कीजिए, ओके। और दूसरी चीज़ ये बता दूं दोस्तों कि आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में कि कोई, यानी कि मुंबई से कोई सिटी है, यानी मुंबई टू दिल्ली या मुंबई टू बैंगलोर या कोई और सिटी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि उस सिटी में RT-PCR की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, टेस्ट कीजिए RT-PCR और फिर रिपोर्ट्स लेके आप बेझिझक जा सकते हैं, ओके। और सेकेंड थिंग, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, टूरिस्ट हो या फिर आप सोलो ट्रैवल हो या फिर आप किसी काम से जा रहे हो, एनी रीजन से आप अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो RT-PCR रिपोर्ट अपने पास रखें। और दोस्तों, और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पहले ये सिनेरियो था कि हम लोग जब टेस्ट कराते थे तो उसके एक दिन के बाद हमें वो रिपोर्ट लेने फिजिकली वहाँ जाना होता था, बट अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपको वो जो रिपोर्ट्स है वो व्हाट्सएप पे PDF फाइल में आ जाती है। सो डोंट वरी, आपके लिए बहुत इजी हो चुका है हर एक के लिए। तो अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो विदाउट RT-PCR रिपोर्ट के ट्रैवल नहीं करें। तो दोस्तों, जिस तरह बोर्डिंग पास और टिकट्स की जरूरत होती है एयरपोर्ट पर, उसी तरह अभी एक और एक मैंडेटरी चीज हो चुकी है, वो है आपका आधार कार्ड एंड आपका RT-PCR रिपोर्ट। जी हाँ, तो दोस्तों इन दोनों चीजों का आप मिस मत कीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक में आपको आधार कार्ड तो ऑब्वियसली पहले भी पूछा जाता था और अभी भी पूछा जा रहा है। तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, इसके अलावा कोई ID कार्ड ना लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है अगर वो आप पे कुछ इश्यू करे तो आप, बेटर ये है कि जो आपके पास है आधार कार्ड और RT-PCR वो लेकर जाइए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करें तो कोशिश करें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का। चाहे देखिए दोस्तों, दूसरे करें या ना करें, बट हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में भी हमें चाहिए कि हम को जहाँ जहाँ मौका मिले हैंड सैनिटाइजर करते रहें, और इसी के साथ आप मास्क जो है वो लगा के रखें। तो ट्राई कीजिए जितना हो सके हर एक चीज को फॉलो करने की, जब तक आप आपके डेस्टिनेशन पर सही सलामत पहुंचने जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते थे वो आपको मिली या नहीं, ताकि मैं इस पे आपको इस पे रिवर्ट कर पाऊं। और दोस्तों, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप और भी कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा Instagram ID पे, जो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको दिया गया है।